जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को एमजे ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में सिंप्लीफिकेशन का थर्ड क्लास देखेंगे और जो भी क्वेश्चन रहेंगे मेरे भाई वे सारे कंसेप्चुअल यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और इस सेशन में हम लोग हर एक क्वेश्चन को एक बेस्ट अप्रोच के साथ लगाने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं यह फर्स्ट क्वेश्चन को। यह फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई क्या कहता है, बोलता है मेरे भाई कि 1/5 गुना 6 प्लस 1/6 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 8 डॉट डॉट 1/34 गुना 35 है ना। अब इस क्वेश्चन के बारे में हमसे अगर एराइज कर रहा है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, वह मेथड को पहले हम लोग देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग यदि सीखने का प्रयास करें तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को एक बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग सोल्व करेंगे, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, है ना। यदि मेरे भाई 1/5 गुना 6 के बारे में यदि मैं आपसे पूछूं कि इसे 1/5 गुना 6 30 आएगा इसका, है ना, 1/30। अगर मैं इसे 1/5 माइनस 1/6, यदि मेरे भाई 1/5 गुना 6 को इस रूप में लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो देखिए 1/5 यानी इसको अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना मेरे भाई 30 आ जाएगा, है ना। इसका एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, 30 आएगा। 5 यानी 6 माइनस 5 बराबर 1/30, है ना। इसका मैंने कैलकुलेशन किया तो हमारा 1/30 आया और इसका भी अगर हम गुना करेंगे तो 1/30 ही आएगा, तो कोई दिक्कत। यदि हम इस फॉर्म को 1/5 माइनस 1/6 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। देखिए अब मैं इसे 1/5 गुना 6 को लिखे 1/5 माइनस 1/6, है ना, प्लस 1/6 माइनस 1/7, मेरे देखिएगा, प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस डॉट 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 कितना तक, 1/34 माइनस 1/35, है ना। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ माइनस है तो यहाँ होगा क्या, प्लस होगा, है ना। अब देखिए मेरे भाई इसके बाद आपको कुछ नजर आ रहा है, नजर तो जरूर आ रहा होगा, या तो आपको इसमें कुछ छुपा हुआ चीज है वो नजर आ रहे होंगे, या तो आपको जो अंक दिया हुआ है वो नजर आ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर आ रहा होगा नजर, है ना। तो आइए देखिए, जैसे यदि मैं कहूं मेरे भाई कि 1/6 से 1/6 कैंसिल, 1/7 से 1/7 कैंसिल, 1/8 से 1/8 इस तरह आ जाके आपको कैंसिल होगा, और यहाँ पे आपको आके एक अंक मिलेंगे, वो अंक कौन सा होगा मेरे भाई, 1/34 किसी में होगा मेरे भाई, माइनस में होगा यहाँ पे, है ना। आगे जाते हुए यहाँ पे एक अंक मिलेंगे जो 1/34 यहाँ पे होगा, यदि यहाँ पे 1/34 मिलेंगे ही तो 1/34 से 1/34 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस है और यहाँ प्लस हो जाएगा कैंसिल, है ना। अब देखिए अब यहाँ पे कौन बचे, हमारे महाराज साहब 1/5 बचे और यहाँ बच के लास्ट में 1/35, है ना। अब इसको क्या करना है हमको, 1/5 माइनस 1/35, है ना। अब इसका अगर मैं कैलकुलेशन करूं, यहाँ पे अगर मैं इसको अगर कैलकुलेशन करूंगा तो कितना है मेरे भाई, 35 आ जाएगा, है ना, 35 आ जाएगा। 5 × 7 = 35 माइनस 5 × 1 यानी 6/35, है ना। 6/35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 6/35 इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, ओके, समझ गए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को एक बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा समझें, यदि इस बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं 2 सेकेंड 4 सेकेंड 5 10 सेकेंड आपका टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो उस ज्यादा टाइम नहीं लगने का रीजन एक ही है कि हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म भी सीख लें, है ना, ताकि हम लोग को इस तरह क्वेश्चन अगर मिले एग्जाम में आप लोगों को तो वो क्वेश्चन को कम समय में आप सोल्व करें, है ना। तो आइए हम लोग एक फॉर्मूला के तहत इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, है ना। चलिए इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, वो फॉर्मूला को देखेंगे, है ना। वह फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा,
यह जो फॉर्मूला है मेरे भाई, यह फॉर्मूला आप अपने कॉपी में अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, वन वट्टा डिफरेंट इंटू फर्स्ट टर्म, इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, समझे। यह फॉर्मूला को अपनी कॉपी में लिख लीजिए बहुत अच्छी तरह से, एक सुंदर अक्षरों के द्वारा, ठीक है। तो यह जो फॉर्मूला है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला के तहत हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए, इसे क्या बोला, वन वट्टा डिफरेंट, यानी डिफरेंट कितना का है मेरे भाई, पांच एक छह सात, यानी एक का, यानी वन वट्टा वन हो जाएगा, है ना। फर्स्ट टर्म यानी वन वट्टा फाइव हो जाएगा, वन वट्टा फाइव इज फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म लास्ट में कौन है, एक वट्टा पैंतीस, है ना। मैंने रख दिया, बस पुट वैल्यू गेट आंसर फॉर्मूला कहता है कि फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप चुटकियों में यूं आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, है ना। तो ये देखिए, वन मोटा वन यानी इसको कोई मतलब नहीं है, वन मोटा वन होने रहेगा, है ना। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना है भाई, 35, 5 7 35 माइनस वन बराबर कितना आएगा, 7 6 6 35। इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी सी फॉर कैट, समझ गए, बहुत अच्छे। अब हम देखते हैं यह सेकेंड क्वेश्चन को, या सेकेंड क्वेश्चन जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है। यह मैं क्वेश्चन आपके लिए लाया है मेरे भाई, ताकि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें। मैं आपको मात्र और मात्र इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड दे रहा हूं, इसलिए इस क्वेश्चन को 20 सेकंड में आप अपने खुद सोल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। तो आइए, अब हमें तो मालूम ही होगा कि आप सभी मेरे प्यारे भाई लोग इस क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में सोल्व कर दिया होंगे, क्योंकि आप एमजी ज्ञान अकेडमी के छात्र हैं। तो आइए, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, वह फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, उस फॉर्मूला को हम लोग फिर से देखेंगे, है ना। क्या लिखा था, वन वट्टा डिफरेंट, है ना, इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, है ना। बस जो मान है रख दीजिए, अंतर की कितना का है, दो में से तीन, एक का, तीन चार, यानी सब में अंतर सेम है, वन का है ना। हाँ, और एक चीज मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में यदि डिफरेंट सेम हो तब आप यह फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक का रहेगा, यहाँ चार का रहेगा, यहाँ पांच, नहीं, ऐसा रहेगा तो नहीं। मैंने क्या बोला, डिफरेंट सेम होना चाहिए, यदि पांच का है तो सब में होना चाहिए पांच। इस तरह का सीरीज का क्वेश्चन जो है मेरे भाई, आपके एग्जाम में हमेशा इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्यों आपके एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन क्यों देता है जानते हैं, क्योंकि आप लोगों को टाइम वेस्ट करने के लिए, है ना। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को देख के हड़बड़ाइएगा नहीं, अब हड़बड़ाने का नहीं है, अब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का है, ठीक है, क्योंकि आप एमजी ज्ञान एकेडमी से जुड़ चुके हैं, है ना। तो आइए, इस क्वेश्चन को देख के हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, है ना। देखिए, जैसे वन वट्टा डिफरेंट बोला, तो मैंने क्या बोला आप सभी को, कि डिफरेंट हो तो सेम हो, यदि पांच का हो तो सब में पांच का होगा, दो का हो तो सब सब में दो का होगा, है ना। तो इसमें कितना का डिफरेंट है मेरे भाई, एक का है, तो वन बटा कितना का मेरे भाई, वन बट्टा वन। फर्स्ट पद कितना है मेरे भाई, एक वट्टा दो माइनस लास्ट वन बट्टा सोलह। अब इसका बस क्या करना है, कैलकुलेशन कर देना है, तो कितना है मेरे भाई, सोलह एलसीएम आ जाएगा, दो बटे सोलह और वन, यानी सात वट्टा सोलह इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, समझ गए भाई मेरे। सेशन यदि आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखेंगे यह थर्ड क्वेश्चन को। यह थर्ड क्वेश्चन जो है, आप लोग पहले देखिएगा, और यह थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है और आपसे क्या मांग रहा है ना। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस यदि आप समझ जाते हैं तो वो क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन ही आपके लिए वो इजी हो जाता है। यदि आप नहीं समझते हैं तो आपके लिए वो इजी क्वेश्चन भी आपके लिए हार्ड बन जाता है ना। यानी क्वेश्चन हार्ड और इजी डिपेंड करता है आपके समझ पे, आप क्वेश्चन को कितना समझ रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। जैसे हम लोग एक्स का मान दिया गया है सीरीज के रूप में, और वाई का मान भी दिया गया हमें सीरीज के रूप में, और हमसे एक्स वट्टा वाई के मान हमसे पूछा जा रहा है। भाई मेरे, क्वेश्चन को पूरी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। एक्स का मान दिया गया है सीरीज के रूप में, और वाई का भी मान सीरीज के रूप में दिया गया है, और हम लोग को एक्स वट्टा वाई के फॉर्म में वॉल्यूम हमसे मान पूछा जा रहा है। तो कैसे आप ज्ञात करेंगे, अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप जितने भी मेरे प्यारे भाई लोग बंधु जुड़े हुए हैं, वो ये सारे
इस क्लास को लाइक करें, है ना, कि इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का सीरीज लाने के लिए हमें मोटिवेट करता है आपका एक लाइक, ठीक ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, हम लोग सबसे पहले एक्स के मान को पहले ज्ञात करेंगे, है ना। तो हम लोग इसके पहले हम लोग क्या सीखे थे, एक फॉर्मूला लिखे थे, वो फॉर्मूला आप लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे हैं तो फिर से लिखिए, मैं फिर से लिखवाऊंगा। जो भी पढ़ना है समझना है यहीं पे आपको हो जाएगा। आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन को 100% समझने का प्रयास कीजिएगा, बस आप यूं ही क्लास में समझिएगा और बस धुआं धुआं मचा दिया क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जैसे हम लोग को यदि x का मान के बारे में बोल रहा है कि x बराबर इतना दिया गया है, तो इस तरह का क्वेश्चन को मैंने हम लोग सबसे पहले तो सॉल्व किया, है ना। तो कैसे किया, इसका फॉर्मूला था एक, क्या था कि वन वट्टा डिफरेंट इंटू फर्स्ट टर्म, है ना, माइनस सेकेंड टर्म, है ना। अब इसी में मान रखना है अंतर कितना का है, एक का है, तो वन वट्टा वन, है ना, वट्टा कितना हो जाएगा फर्स्ट, एक वट्टा 12 माइनस लास्ट 1/24। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 24 दो यानी 1/24 आ जाएगा इसका कैलकुलेशन, है ना। अब देखिए अब x का मान कितना आ गया मेरे भाई, x का मान आ गया मेरा 1/24। अब देखिए अब आगे बढ़िए हम लोग, है ना। तो आगे बढ़ेंगे तो अब बाई की वैल्यू ज्ञात करना होगा हमें, है ना। तो बाई की वैल्यू को भी ज्ञात उसी तरह से करेंगे, क्या 1/36, 1/1 पहले अंतर कर लिया मैंने, अंतर कितना का है 36, 37, 1 का 37, 38, 1 का, है ना, सेम अंतर है और सेम अंतर होना भी चाहिए, है ना। 1/36 माइनस लास्ट कितना है 72, 1/72। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे मेरे भाई हम लोग तो कितना आ जाएगा, नीचे तो आ जाएगा कितना 72 आ जाएगा, 36 × 72 यानी 1/72, बाई का मान कितना आ गया मेरे भाई 1/72 आ जाएगा। अब हमें एक्स का मान भी मालूम चल गया और बाई का भी मान हमें मालूम चल गया मेरे भाई, तो क्या हम लोग एक्स बट्टा बाई नहीं ज्ञात कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से ज्ञात कर लेंगे, है ना। अब देखिए एक्स बट्टा 32 यानी एक्स का मान कितना है मेरे भाई 1/24, है ना, 1/24। अब आपके लिए मेन बट्टा ए पड़ा, है ना, मेन बट्टा। अब बाई का मान कितना है मेरे भाई 1/72, 1/72। कुछ ऐसे भी महानुभाव होते हैं कि यहीं पे ऐसे काट देंगे कि 24 दिया के 72, तो इस तरह तो आप काटे रूल के अनुसार सही है, लेकिन आपको आंसर चूज करने में डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप 3 लगाएं कि 1/3 लगाएं, है ना। तो इस तरह से आप यहां पे कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा, क्यों, क्योंकि ऐसा कीजिएगा तो आप क्वेश्चन को सोल्व करने के बावजूद आप टिक आउट राइट आंसर नहीं कर पाएंगे, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, है ना। तो इस कंफ्यूज से हम लोग बचने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, 1/ कितना था 24 था, मेन बट्टा कितना था 1/72 था, है ना। तो हम लोग 1/24, है ना, 1/24 मेन बट्टा से अंश हर में जाता है और हर अंश से पलटता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे गुणा हो जाता है ना। तो ऊपर कितना लगा 24/1, 24 दिया के 72 बराबर 3 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, समझ गए, A4 एप्पल इज द राइट आंसर, ओके। यदि इस तरह से अगर आप सॉल्व नहीं कीजिएगा यहाँ पे, तो आप 3 और 1/3 अगर ऑप्शन दे दिया जाए आपको फंसाने के लिए, तो आप वहां पे कंफ्यूज जाके राइट आंसर नहीं मार के रॉन्ग आंसर टिक आउट करके आ जाइएगा, है ना, ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। यह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा गया, यह क्वेश्चन है मेरे भाई रेलवे में, यह क्वेश्चन पूछा गया है NTPC में, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पूरी अच्छी तरह से समझेंगे और बेस्ट अप्रोच के साथ समझने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या हमसे मांगा जा रहा है। ऐसे यदि आप देखिएगा सोचिएगा कि सर यह तो भिन्न का जोड़ है, यह तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा, तो भाई मेरे यदि आप उस तरह से जो भिन्न का जोड़ घटाव होता है वो मेथड से यदि आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको तो 1-2 घंटे में तो नहीं सॉल्व होगा, है ना, आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्या आप सिर्फ एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट करने के लिए गए हैं? नहीं ना, आप अपना रिजल्ट देने के लिए गए हैं, आप अपना एक सीट जॉब के लिए पक्का करने गए हैं, है ना।
तो ये चीज तभी आपको आएगा जब आप एक स्मार्ट अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन को लगाने के लिए सीखिएगा, है ना। जब तक आप स्मार्ट वे का तरीका नहीं अपनाइएगा, कंपटीशन बहुत हार्ड है मेरे भाई, मेरे बहुत हार्ड है। हाँ, किनके लिए? जो तैयारी अच्छी तरह से नहीं करते हैं उनके लिए वो हार्ड है। यदि आप कंटिन्यू एक सही वे में यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। इसलिए आप एक स्मार्ट वे, स्मार्ट अप्रोच के साथ हर एक क्वेश्चन को लगाने के लिए सीखिएगा, है ना, जिससे आप अपने एग्जाम को बेस्ट स्कोर के साथ क्रैक कीजिएगा और अपना एक सीट पक्का कीजिएगा, है ना। तो आइए हम लोग उसी बेस्ट अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को लगाते हैं और समझते हैं, है ना। ये देखिए, यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि इस तरह का नंबर, यह जो इस तरह का नंबर है मेरे भाई, यह जो सीरीज चल रहा है, यह हम लोग का प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है ना। तो इस क्वेश्चन को यदि मैं कहूँ 1/15 के बारे में यदि मैं कहूँ, तो यह या तो 1/15 से बना होगा या 3/5 से बना होगा, है ना, 3/5 से बना होगा। तो हम लोग को इस संख्या को लेना है ना, इसको नहीं लेना है, हम लोग को 3/5 लेना है। क्या समझ गए? आइए देखते हैं। चलिए, जैसे यह क्वेश्चन दिया गया है मेरे भाई, 1/15 + 1/35 + 1/63 + 1/99 + 1/143 दिया गया है। अब हमें इसी चीज को सॉल्व करना है। तो हम लोग इस फॉर्म को, क्या मैं 3/5 लिख सकता हूं? बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता हूं, है ना। इसको मैं किस फॉर्म लिखूं? 5/7 लिख सकता हूं, है ना। इसको मैं क्या लिखूं? 7/9 लिखूं, है ना। इसको मैं क्या लिखूं? 9/11 लिखूं। अब देखिए मेरे भाई, यहां पे थोड़ा नंबर बड़ा है, तो हम लोग ऐसे देखें कि यह जो अंक है 5 से लास्ट हो रहा है और यह 5 से स्टार्ट हो रहा है, या 7 से लास्ट हो रहा है तो यह 7 से स्टार्ट हो रहा है, या 9 से लास्ट हो रहा है तो यह 9 से स्टार्ट हो रहा है। जब यह 11 से लास्ट हो रहा है तो यह भी हमारा संख्या 11 से स्टार्ट होगा। यानी हम लोग को देखना क्या है कि लास्ट कौन संख्या से हो रहा है, लास्ट 5 से हो रहा है, यहाँ लास्ट 7 से हो रहा है, यहाँ लास्ट 9 से हो रहा है, यहाँ लास्ट 11 से हो रहा है, तो यहाँ स्टार्ट 11 से होगा। जिससे स्टार्ट होगा उससे लास्ट होगा, जिससे लास्ट होगा उससे स्टार्ट होगा, है ना। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ तो एक मान रख ली। अब देखिए अंतर, देखिएगा अंतर कितना का है? 2 का है। इसमें भी 2 का है, इसमें भी 2 का है, इसमें भी 2, इसको में भी तो 2 का होगा। 2 का अंतर कब होंगे मेरे भाई? जब यहाँ 13 होगा, है ना मेरे भाई, जब यहाँ पे 13 होंगे तब ना। देखिए हम लोग इसको इस फॉर्म में डाला, है ना, 11/13 के फॉर्म में। अब देखिए, अब हम लोग इसको थोड़ा सा बहुत अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करेंगे, तो 1/5 लिख सकते हैं, 1/3/5 लिख सकते हैं, है ना, +1/5/7 लिख सकते हैं, +1/7/9 लिख सकते हैं, +1/9/11 लिख सकते हैं, +1/11/13 लिख सकते हैं। मैंने यह जो थोड़ा सा एक टर्म मैंने आप लोग को समझाने के लिए बढ़ाया, ठीक है। अब देखिए, यदि इस फॉर्म में मैंने आपके सामने लिया या मेरे भाई, तो क्या याद आ रहा है? एकदम आ रहा होगा, है ना। क्या मैं एक फॉर्मूला बताया था आपको, कौन सा? देखिएगा, 1/Difference × 1st Term − 2nd Term, है ना। यह फॉर्मूला मेरे भाई आपको इस तरह इस सीरीज में अगर क्वेश्चन रहेगा ना, तो बहुत आपको मदद करेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। इसलिए इस क्वेश्चन को आप माइंड में हमेशा सेव कीजिए, माइंड में, मेमोरी कार्ड में सेव कीजिए, है ना। चलिए देखिए, यह और यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, बस और कुछ करना है, कुछ नहीं, पुट वैल्यू गेट आंसर, है ना। 1/1 क्या है? डिफरेंट। अंतर कितना का है? 2 का है। यहाँ रखेंगे 1/2, है ना। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे भाई? 1/3 है, 1/3 मैंने रखा। लास्ट टर्म क्या है मेरे भाई? 1/13 − 1/13, है ना। अब देखिए एलसीएम के लिए कितना लगा? 33 तो 3 से 13, है ना। तो 13 माइनस कितना है मेरे भाई? यहाँ पर हो जाएगा कितना? 39 यानी 3 हो जाएगा, है ना। 13 × 39 = 3 × 13 = 9 कितना आएगा यहाँ पे? 10/39, है ना। अब देखिए 1/2 × 10/39 = 2×10 = 5/39 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। यानी 5/39 सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। समझ गए? तो समझे? बहुत अच्छे मेरे भाई। सेशन को, यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक
करते चलें। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन को। यह पांचवा क्वेश्चन जो है ना हम लोग को क्या बोल रहा है कि 1/1.5 प्लस 1/5.9 प्लस 1/9.13 प्लस 1/13:17 है ना। इस तरह का हम लोग का क्या चल रहा है मेरे भाई, सीरीज चल रहा है। यानी यह सीरीज कैसे चल रहा है कि 1/1.5 इस तरह का सीरीज आगे चल रहा है और आपसे इसका मान पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, जो देखिएगा। यदि आप जो मैंने इसके पहले चार क्वेश्चन में आपको सिखाया, यदि आप पूरी कॉन्सेप्ट के साथ समझ रहे होंगे, तो यह क्वेश्चन में क्या दिया गया है और कैसे सोल्व होगा वो आप समझ गए होंगे। ये चीज वही बच्चे समझेंगे जो पूरी ध्यानपूर्वक इस सेशन को देख रहे होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आए एक एक मिनट ज्वाइन किए फिर हट गए, फिर आए फिर ज्वाइन। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं करने का है। यदि आप सीरियस हो जॉब के लिए, है ना, तो आप कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन कीजिए। कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन कीजिएगा तभी आप कुछ क्लास से प्राप्त कर पाएंगे। यदि नहीं कंटिन्यू जुड़िएगा तो आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो टाइम बर्बाद करने का यह जिंदगी नहीं मिला मेरे भाई। आपको कुछ लाइफ में करना है, अपने लिए, अपने माता पिता, अपने भाई बंधु के लिए, अपने घर परिवारों के लिए, है ना। तो आप कंटिन्यू सेशन से जुड़े रहें, तब आपको अगर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आ जाता है तो सेकेंड में कुछ समझ में आएगा, थर्ड में कुछ समझ में आएगा और फोर्थ में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। 102 क्वेश्चन के अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। वो तभी आपको होंगे जब आप सेशन से कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, है ना। यानी क्लास से हमेशा जुड़े रहिए। आइए देखिए, जैसे यह क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को यदि मैं कहूं कि 1/1.5 दिया गया है, यानी 1/1 × 5 है ना मेरे भाई। 1/5.9 है, यानी 1/5 × 9 है ना। तो इस टर्म में जो क्वेश्चन रहता था हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, बस वही ना है, है ना। आइए देखते हैं हम लोग, जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग यदि सोल्व करें तो बस अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्या अंतर कितना का है मेरे भाई, 4, 4, 4, 4, 4, यानी सेम अंतर है। तो 1/4 है ना। फर्स्ट टर्म क्या है 1, यानी 1/1 माइनस सेकेंड टर्म। लास्ट टर्म क्या है 1/21 है ना मेरे भाई। अब इसका एलसीएम आएगा कितना, 21 आ जाएगा, 21 और माइनस 1 यानी 20 आ जाएगा क्या मेरे भाई, है ना। यहाँ 21 आ जाएंगे और ऊपर 1 आ जाएगा तो 20 आ जाएगा, है ना। तो देखिए 1/4 × 20/21 कैलकुलेशन, 4×5 = 20 यानी 5/21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। समझ आ गया। देखिए इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कितना छोटे स्पेस में हम लोग सोल्व किए, है ना, बहुत कम समय में, है ना। तो इस तरह का यदि आप कम समय में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जानने के लिए इच्छुक हैं तो सेशन को लाइक जरूर करें, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आप सभी को आग्रह करता हूं कि जो भी मेरे प्यारे भाई बंधु इस चैनल से जुड़े हुए हैं अभी इस क्लास से, वे सारे सेशन को लाइक करें, है ना। क्योंकि लाइक आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है एक बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आप तक बेस्ट क्वेश्चन लाने के लिए, है ना। तो आप सभी इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इस सेशन को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। तो आइए, और यह मेरे भाई यह क्वेश्चन बहुत वीवीआई है ना। यह क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा तंग करता है, परेशान करता है ना। तो अब यह क्वेश्चन इस क्लास के बाद आपको नहीं तंग करेगा और नहीं परेशान करेगा। आप
इस तरह के क्वेश्चन यदि आपके सामने आएंगे तो बस यूं विद इन सेकेंड में आप क्वेश्चन को टेक आउट करके आंसर लगा दीजिएगा, है ना। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले मेरे भाई विद प्रूफ के साथ पहले देखेंगे, है ना। तो आइए यह क्वेश्चन कैसे बनता है, इसका जो मान आता है वो कैसे आते हैं, उसके हम लोग विद प्रूफ के साथ देखेंगे, है ना। देखिए, जैसे यदि मेरे भाई यह क्वेश्चन दिया गया है एक्स बराबर, आइए यहां पे देखते हैं हम लोग, यदि मैं कहूं मेरे भाई एक्स बराबर रूट फाइव, है ना, रूट फाइव डॉट, है ना, इनफिनिट तक, यहां पे दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे, इस तरफ भी RHS और LHS दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो इधर क्या आएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर। अब यहां पे यदि मैं स्क्वायर करूंगा पूरा का ऐसे, तो एक स्क्वायर से ए रूट हमारा कैंसिल हो जाएंगे, भाई मैं समझ रहे हैं, यह रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखिए यह रूट हमारा कैंसिल हो गया, तो अब किस फॉर्म में आ गया मेरे भाई, अब यह क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गए, इस फॉर्म में आ गए। तो हम लोग को रख देना है जो मान है 5 5 5 5 डॉट, है ना, 5। अब हम लोग को एक्स स्क्वायर बराबर 5 5 रूट 5 रूट 5 जो था यहां पे लिखा हुआ है, जो मान था, हम लोग एक्स बराबर कहते कि नहीं रखते, इस तरह का जो क्वेश्चन था हम लोग को 5 रूट 5 के फॉर्म में जो था, हम लोग यहां पे इसको किस फॉर्म में रखे थे, एक्स बराबर रखे थे कि नहीं, एक्स बराबर, तो यहां पे एक्स हो जाएगा, है ना, एक्स। अब इसको एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं, नहीं, वो बढ़िया लिख सकते हैं, 5 गुना x लिख सकते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यानी एक्स बराबर कितना का मेरे भाई, 5। इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का यह राइट आंसर है, है ना। तो इसी तरह से एक्स बराबर 5 आ गया, तो इसका बस इसी तरह से यदि मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इसको विदाउट सोल्व किए हुए हम लोग A4 एप्पल इज द राइट आंसर टिक आउट कर देंगे, है ना। यदि नहीं करेंगे तो देखिए यहां पे इसको भी सोल्व करते हैं प्रूफ के साथ, है ना। देखिए रूट थ्री और √3, है ना। तो एक्स स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर करना है, तो इसमें एक रूट हट जाएगा, है ना, तो कितना आएगा मेरे भाई, 3√3 3√3 3√3। तो अब इस 3√3 3√3 का मान कितना था मेरे भाई, एक्स रखे थे, एक्स एक्स बराबर, है ना, तो 3 गुना x, अब 1x से 1x जाएगा, तो एक्स बराबर कितना मेरे भाई, 3। इज द राइट आंसर, है ना, A4 एप्पल इज द राइट आंसर, समझ गए प्रूफ के साथ। हम लोग देखे इस क्वेश्चन को नहीं देखे, बहुत अच्छे, समझ गए ना, ठीक। हम लोग इस तरह क्वेश्चन को देखते होंगे एग्जाम में, आप लोग तो कंफ्यूज हो जाते होंगे, है ना, इस तरह क्वेश्चन आप देखते होंगे एग्जाम में, तो 100% तो नहीं कर सकते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे। यदि आपको इस फॉर्म में दिया रहे और इस फॉर्म में दिया रहे क्वेश्चन, तो आप कभी आंसर 5 मार देते होंगे, है ना, इसमें अगर 5 मारते हैं तो सही है, इसमें 5 मारते हैं तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो यह जो कंफ्यूजन जो था आपके पास, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने दोनों क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन को आपके सामने एक साथ रख दिया। तो आइए, यदि इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई, तो हम लोग तो इसके पहले हम लोग देखे ही, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो जो क्वेश्चन जो रूट में मान दिया रहेगा वही इसका आंसर हो जाएंगे, कब, जब इनफिनाइट तक रहे, है मेरे, हमारी हर एक बात को आप गौरपूर्वक समझिएगा, गौरपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा, है ना। यदि आपको इस फॉर्म में अनंत तक दिया रहे, इनफिनाइट तक दिया रहे, तो जो मान दिया रहेगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसमें 5 था तो 5 मैंने रख दिया, आंसर हो गया, है ना, समझ गए मैंने क्या कहा। यदि इनफिनाइट तक क्वेश्चन रहेंगे इस तरह का सीरीज में, तो हमें जो अंक रहेगा रूट में वही हमारा आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन का। यदि इनफिनाइट तक नहीं रहेगा मेरे भाई, तब क्या होगा मेरे भाई, तब क्या होगा, जो होगा वो सामने होगा, देखिए, है ना। देखिए, जैसे यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि इनफिनाइट तक कोई सीरीज दिया रहे तो हमारा जो अंक रहेगा वो उसका आंसर हो जाएगा, यदि इनफिनाइट तक कोई सीरीज नहीं रहे
तो हमें उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, रूट वाले में अगर रहे दिया रहे तो देखिए, तो सबसे पहले जो अंग दिया गया रहेगा उसको हम लोग पूरी अच्छी तरह से लिख लेंगे, यानी फाइव था, फाइव रख दिया। अब क्या करना है, अब इसको काउंट करना है, एक दो तीन चार, फाइव को काउंट करना है कि फाइव के गो है, तो एक दो तीन चार, कितने मेरे भाई चार। अब चार है तो हम लोग दो को चार बार गुना करेंगे, हाय मेरे दो को चार बार गुना करेंगे, दो दुना के चार, चार दुना के आठ, आठ दुना के सोलह, समझ गए हमारी बात को, समझे कि नहीं समझे, फिर समझिएगा, नहीं समझे फिर समझिए। मैंने क्या कहा, इसको काउंट करना है कि पांच के बार है, एक दो तीन चार गो है पांच, तो हम लोग चार गो जो है यदि दो बार रहेगा तो दो दो के दो बार गुना करेंगे, चार है बार है तो दो के चार बार गुना करेंगे, पांच बार रहेगा तो पांच बार करेंगे, छह बार है ना, जितना बार रहेंगे उतना बार हम लोग को दो को गुना करना है। तो चार बार है मेरे भाई, तो मैंने चार बार इसको गुना कर दिया दो को, तो दो दुना के चार, दुना के आठ, दुना के सोलह, है ना, सोलह आ गए। अब क्या करना है, अब यहीं से गेम स्टार्ट कर रहा है, अब क्या कर रहा है यहाँ पे कि यदि सोलह जो आया तो यहाँ पे क्या करना है, बस अंश में एक कम कर देना है, पंद्रह आवहार में जो था वही रख देना है, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। है मेरे मेरी बात को समझे, नहीं समझे फिर समझिएगा, मैंने कुछ नहीं किया, जो मान था उसको मैंने रख दिया। इस तरह क्वेश्चन रहेंगे इस सीरीज में, अगर रहेंगे इस तरह क्वेश्चन तो हम लोग क्या करेंगे, जो मान रहेंगे वो मैंने रख दिया, और पांच कितने बार है काउंट करेंगे, चार बार आए तो दो को चार बार गुना किया तो सोलह आया, तो सोलह से एक कम करके अंश में रखना है, और हर को हर के रूप में सोलह लास्ट में था सोलह रख देंगे, है ना, यानी सोलह से एक कम करके रख देना ऊपर पावर में, और बस आपके सामने यह आंसर आ जाएंगे, और यह ऑप्शन आपके क्वेश्चन के नीचे चार ऑप्शन में एक ऑप्शन में यह मान 100% रहेंगे। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे मेरे भाई। इस तरह क्वेश्चन यदि आप सीख रहे हैं तो सेशन को लाइक करें जरूर, है ना, और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करें, ठीक है, ताकि आपका दोस्त का भी कुछ हेल्प हो जाए, है ना। और मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी बहुत कमिंग सून में है, इसलिए मेरे प्यारे भाई जो सोए हुए हैं वो जाग जाएं, जो बैठे हुए हैं वे दौड़ने के लिए स्टार्ट हो जाएं, है ना, उठो जागो दौड़ो, क्योंकि आपका वैकेंसी सामने नजर आ रहा है, बस आप यूं ही प्लग झपकाइएगा और सुबह नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उस चीज का इंतजार आप न करें, वैकेंसी भी आएगी, एग्जाम भी होंगे, कुछ बच्चों का रिजल्ट भी होगा, कुछ बच्चों का मेरिट भी बनेंगे, और कुछ को जॉब भी होंगे, वो रुकेगा नहीं, तो आप क्यों रुके हुए हैं, आपको भी नहीं रुकना है। जब हमारा जो रेलवे का वैकेंसी है, किसी चीज का वैकेंसी है, वो जब नहीं रुकेगी तो हम क्यों रुकें, क्योंकि हम तो उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना। उठिए जागिए और इस सेशन के साथ अपने दोस्तों को जुड़ने के लिए बोलिए, ठीक है, बहुत अच्छे। हम लोग फिर चेक जो क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपको, इस तरह क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में तंग करता है, परेशान करता है, तो अब परेशान होने का नहीं है, है ना, एग्जामिनर को परेशान करते हैं कि आप किस तरह का क्वेश्चन दोगे, हम अपने हथियार लेके बैठे हैं, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई दिया गया है रूट सिक्स प्लस इस तरह का टर्म में है और इनफिनिट है, और यानी कहने का मतलब यह जो क्वेश्चन है प्लस में है और यह माइनस में है, और दोनों क्वेश्चन इनफिनिट में दिया गया है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर मिले आपको तो कैसे सोल्व करेंगे, मिलेंगे नहीं, नेसेसरी मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में मिलेंगे, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका रूल होता है मेरे भाई, वह रूल को समझने का प्रयास करेंगे कि जो अंक दिया गया रहेगा, जो अंक दिए गए रहेंगे उस अंक को हम लोग पहले गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ते हैं, है ना, है ना। और गुणनखंड के फॉर्म में ऐसे नहीं तोड़ना है, मान लिए कि 15 है तो 15 को एक गुना 15 भी लिख सकते हैं, है ना, तीन गुना पांच भी लिख सकते हैं, है ना। तो यही तो चूज करना है कि 1 × 15 होगा कि 3 × 5 होगा, है ना। तो वो चीज कैसे चूज कीजिएगा, अब देखिए यहां पे यदि कुछ नहीं है रूट के अंदर तो एक है कि नहीं मेरे भाई, है ना, एक है, अगर यहां कहें तो एक है कि नहीं, एक है, इसमें भी एक है, है ना, अंदर में। तो हमको ये चीज ध्यान देना है कि जिस संख्या का हम लोग गुणनखंड तोड़ रहे हैं उसको गुणनखंड तोड़ने के बाद जो अंतर है ना, वो अंतर इसके बराबर आए, अगर एक है तो एक आना चाहिए, यदि दो रहेगा तो दो आना चाहिए, है ना।
देखिए, अब छः को हम लोग अगर हम तोड़ें छः को, तो क्या आएगा मेरे भाई, तीन गुना दो आएगा, और इन दोनों का अंतर करेंगे तो एक आ जाएंगे मेरे भाई, है ना। इसका अंतर करेंगे तो एक आ जाएगा, तो यह गुणनखंड मेरा सही है मेरे भाई। छः को मैंने तीन गुना दो में तोड़ दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, अब यहां से क्या गेम खेल रहा है कि आंसर इसका क्या आएगा, इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर आएंगे, यदि क्वेश्चन प्लस से रहेगा दिया रहे तो गुणनखंड का सबसे बड़ी संख्या उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। समझे, समझ गए हमारी बात को? मैंने क्या कहा कि यदि क्वेश्चन प्लस से स्टार्ट हो, जो क्वेश्चन प्लस में दिया गया रहेगा उस क्वेश्चन का आंसर, हमारा गुणनखंड का सबसे बड़ी संख्या उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे, यानी हमारा इस गुणनखंड का तीन सबसे बड़ी संख्या है तो तीन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या आएगा मेरे भाई, इसमें जो गुणनखंड का सबसे छोटी संख्या रहेंगे वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे, यानी दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसका भी हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे मेरे भाई, छ का भी तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, तीन गुना दो के फॉर्म तोड़ेंगे, है ना। तो माइनस के फॉर्म में यदि क्वेश्चन रहे तो गुणनखंड की सबसे छोटी संख्या उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और प्लस के फॉर्म में जो क्वेश्चन रहे तो उसमें जो गुणनखंड की संख्या रहेंगे वो सबसे बड़ी, वो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए भाई मेरे? मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ यह सेशन आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि सेशन आपको अच्छा तरह समझ में आता है मेरे भाई, तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।